शुक्रवार को गाजीपुर में फिर कोरोना संक्रमण के एक दर्जन से अधिक नए मामले मिले हैं। लेकिन इस बीच जिले के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। गाजीपुर को कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग के लिए एक नई मशीन मिल गई है। इस मशीन का नाम टूनेट है। गुरुवार से ही गाजीपुर जिला अस्पताल में इस मशीन से जांच शुरू हो गई है। पहले दिन 6 लोगों की जांच की गई और सबके नतीजे नेगेटिव आए हैं। आइए कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर स्वतंत्र सिंह से इस मशीन के बारे में जानते हैं। इसको आए हुए 2-3 दिन हुआ। कल हम लोगों ने इसकी जांच शुरू किया है। कल 6 लोगों की जांच हुई जिसका सभी का रिपोर्ट निगेटिव आया है। 12 घंटे लगातार मशीन चल रही है। ये उनके लिए है जो कि बहुत सीरियस मरीज हैं या फिर जिनका ऑपरेशन होना है, तुरंत रिपोर्ट अगर चाहिए तो उनकी जांच हम लोग करेंगे। ये 24 घंटा जिला अस्पताल में उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, एक मरीज की जाँच में कितना समय व्यय हो रहा है? लगभग 2 घंटे। एक दिन में या 12 घंटे में कितनी रिपोर्ट आप दे सकते हैं? 24 मात्र 24 मात्र 24 नहीं, इसका रिहाई है उसमें एक बार में 2 ही लगता है। ये उन्हीं के लिए जो इमरजेंसी है, बाकी के सुविधाओं के लिए हम लोग BHU KGMU लखनऊ और गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज से। कोरोना से बचाव के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे आम आदमी को? आम आदमी को चाहे कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लोग थोड़ा बच के रहें, एक दूसरे से काढ़े का सेवन करें, गर्म पानी गुनगुना, गर्म पानी से गलारे साफ करें। और अगर कोई भी फ्लू टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो वो जिला चिकित्सालय में संपर्क करें या तो जो हमारा नंबर ऑलरेडी सबके पास दिया गया है उस पर संपर्क करें, अपनी नेजल जांच जरूर। सर, तो पूरा अपना नंबर एक बार रिपीट करेंगे क्या? मेरा जो नंबर है 8769484967। यानी ये मशीन इमरजेंसी हालात वाले पेशेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है। ऐसी किसी भी स्थिति में इस मशीन के द्वारा तुरंत टेस्ट नतीजे हासिल कर मरीज का इलाज शुरू किया जा सकेगा। इन सब के बावजूद कोरोना की बीमारी को केवल मशीनों या दवाओं से ही नहीं हराया जा सकता। इसे हराने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखना होगा। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।